देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। आज कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा कर उल्टे सरकार वादा खिलाफी करके बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि करने की योजना बना रही है, जिसको आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिलाध्यक्ष रमेश गौतम ने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल है। पर ऐसा नहीं हुआ। इधर हाल ही में बिजली के दाम घटना को दूर की बात है, बल्कि सरकार ने बिजली की दर में 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसको आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी, इसके खिलाफ जनसंग्राम भी करेगी। जिला प्रभारी सुरेश सिंह ने कहा, यह प्रस्ताव कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। वास्तव में देश में 30% तक कोयले का उत्पादन भी बढ़ाए, फिर क्यों बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। जिला महासचिव श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता और विशेषकर किसान भाइयों के साथ वादा खिलाफी की है और इन्हें अब आर्थिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। सरकार होश में नहीं आई तो आगे हम निरंतर संघर्ष करेंगे। सर, आज आप लोग ज्ञापन दिए, किस मुद्दे पर आप लोग ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी को? हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बिजली के बिल में 25% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा गया, उसी के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि भाजपा द्वारा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में किसानों को पहले नंबर पे जो है कि बिजली फ्री देने का वादा किया गया था। तो सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज जो है कि धरना प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन दिए हैं। आगे अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो घर घर इस बात को हम लोग लेके चलेंगे प्रमुखता के साथ। सर, आज आप ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को, क्या मामला था? देखिए, मामला हमारा देश कृषि प्रधान देश है और योगी सरकार और कह लीजिए डबल इंजन की जो आज भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि किसानों को हम बिजली मुफ्त देंगे, है ना, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, बिजली को सस्ती रखेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, बिजली के लगातार जो है दाम बढ़ाना है, 23% का दाम फिर बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है अपने विधानमंडल में, और इसके बावजूद किसानों की बिजली मुक्त अभी तक नहीं हो पाई है और किसान बेचारे दोहरी मार से गुजर रहे हैं। किसानों को बिजली की दरें ज़्यादा देनी पड़ रही है, साथ में आज जो छुट्टा पशुएं हैं वो जो है उनकी फसलों को जो है कि ख़त्म कर दे रहे हैं, उस सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज इस साल अकाल पड़ गया है, सूखा हो गया है, हमारे सोनभद्र की कह लीजिए आधी जो है किसान खेती ही नहीं कर पाए थे पानी के अभाव में, वो दोहरी मार से गुजर रहे हैं। उसके बाद सरकार जो है उन पे बिजली के दाम बढ़ा करके उनका जो है कि डबल शोषण करने का जो है प्लान बनाया है, तो आम आदमी पार्टी जो है इसके पूरी तरह से विरोध करेगी और जो है जनता के बीच में जा करके उन किसानों के साथ खड़ा होकर के हम लोग सड़कों पे हो सके या गांव-गांव में जा करके उन सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह खड़ा करेंगे। और हम लोग जो है लाठियों से इस सरकार के नहीं डरेंगे, ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे, और हम लोग जनता और जो है कि किसानों के हित में जो है कि हम लोग संग्राम करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।